मित्रों नमस्कार, मैं मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, विधायक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, अपनी बात के 34वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे फर्रुखाबाद में जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है इसके विकास के क्षेत्र में, उस संदर्भ में। दूसरा, युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के संबंध में। और तीसरा, ऑफकोर्स गणपति बप्पा मोरिया के संबंध में। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज विश्व साक्षरता दिवस है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तब ऐसा आंकड़ा मिला है कि हिंदुस्तान की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 12% थी। आज हम जब 2018 में खड़े हैं तो ये लिटरेसी रेट, लिटरेसी की स्थिति 74% है, ऐसा विकिपीडिया बताती है। तो इस विश्व साक्षरता दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी के सहयोग से, सरकारों की योजनाओं से हम आज साक्षरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारतवर्ष एक नया उदीयमान भारत बनता जा रहा है, साक्षर भारत बनता जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि आज मैं फर्रुखाबाद में जो विकास के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है हमारे ज़िले में, उसके संबंध में आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला था, और मैंने फर्रुखाबाद के लोगों की जन भावनाओं से उन्हें अवगत कराया था, क्योंकि फर्रुखाबाद की धरती स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की राजनीतिक कर्मभूमि रही है। और वो अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे कि मैं फर्रुखाबाद को एक बड़े शहर की तरह विकसित करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित हों। मैंने फर्रुखाबाद के लोगों की इस भावना से, स्वर्गीय द्विवेदी जी के कथनों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और उनसे ये अपील की कि फर्रुखाबाद को फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण के रूप में गठन किया जाए, जिसके इसका चौमुखी विकास हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरवरी माह में ही उत्तर प्रदेश शहरी एवं नियोजन विभाग की ओर से अपने फर्रुखाबाद जिला प्रशासन को एक पत्र लिखवाया, और यहाँ से आख्या मांगी गई, प्रस्ताव मांगा गया कि आप प्रस्ताव दें कि किस रूप में फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण का गठन हो सकता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना त्वरित एक्शन उन्होंने लिया है फर्रुखाबाद के विकास के लिए, और पूरे फर्रुखाबाद की जनता की ओर से उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब फरवरी माह में ये लेटर आया था फर्रुखाबाद में, उसी के बाद जिला प्रशासन से बात करके हम लोगों ने आख्या तैयार कराई, और आख्या तैयार करके इसका जो औचित्य का प्रश्न पूछा गया था कि फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण के संबंध में क्या औचित्य बनता है, उसमें जवाब हम लोगों ने यही दिलवाया। चूँकि आलू मंडी है यहाँ पर, बहुत बड़ा आलू उत्पादक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा ज़िला है जो पोटैटो प्रोडक्शन ग्रुप में जाना जाता है, आलू उत्पादन के क्षेत्र में जाना जाता है, इस लिहाज से यहाँ पर मंडियों का विकास हुआ है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विकास बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, फर्रुखाबाद विकास के क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसलिए आवश्यकता है यहाँ के सर्वांगीण और चौमुखी विकास के लिए इसको फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण की संज्ञा दी जाए और इस रूप में गठित किया जाए। ये पत्र मार्च में कानपुर के जो टाउन प्लानर हैं उनके माध्यम से जिला प्रशासन ने डिस्कशन करके, हम सभी कुछ जनप्रतिनिधि भी उसमें थे, उसमें चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश शासन को ये पत्र भेजा गया है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, और कुछ क्वेरीज अभी भी भेजी हैं। पिछले सप्ताह भी आया था कि सर्वेक्षण सा चल रहा है यहाँ पर कि फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण बनाने से हानि है या लाभ है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं उन्होंने, और जो नगर पालिका क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्होंने इसके लाभ गिनाए हैं, बहुत सकारात्मक उत्तर दिया है कि फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण की, फर्रुखाबाद के विकास के लिए महती आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी विकास प्राधिकरण जब बनता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनती है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, उसकी कुछ अहर्ताएँ होती हैं, उसके मार्क्स दिए जाते हैं, 100 में से अगर 60 नंबर आ जाते हैं उस विकास प्राधिकरण के, तो उसको गठन की ओर अग्रसर मान लिया जाता है और उसका, उस प्राधिकरण का गठन हो जाता है। इसमें मार्क्स
इस बात के होते हैं कि वो हाईवे के पास है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या हैं, विद्युत की स्थिति क्या है, जल संसाधन क्या है, यानी पूरा मूलभूत ढांचा वहाँ पर विकास के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जिससे उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को विकसित किया जाए। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ और आपको खुशी भी होगी बहुत ये जानकर कि 100 में से 60% नंबर अगर आ जाते हैं, भारांक आते हैं, तो उसको हरी झंडी दे दी जाती है विकास प्राधिकरण बनने के लिए। और अपने फर्रुखाबाद के 67% यानी 67% मार्क्स अभी तक आ चुके हैं, ये भारांक आ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सबके दुआओं से फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण बनेगा, फर्रुखाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, जैसी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या LDA बोला जाता है, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मुझसे अक्सर युवा वर्ग पूछता है कि इस डेवलपमेंट अथॉरिटी के बनने से क्या क्या लाभ फर्रुखाबाद को होने वाले हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण के बनने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो मूलभूत ढांचा है उद्योगों के लिए, वो सुधरेगा। नंबर एक, सड़कें चौड़ी होंगी। नंबर दो, बिजली विद्युत सप्लाई अच्छी होगी। नंबर तीन, अपना जल संस्थान बनेगा जिससे हर घर में, हर गली मोहल्ले में, गांव में पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जब विकास प्राधिकरण बनता है तो सीवरेज सिस्टम भी दुरुस्त होता है। आप सभी जानते हैं कि अपने फर्रुखाबाद में सीवरेज सिस्टम नहीं है। हर गली में पाइप लाइन बिछेगी, जो मुख्य मार्ग है उनके नीचे पाइप लाइन होगी और ये सीवरेज सिस्टम सुधारा जाएगा। जब विकास प्राधिकरण बनता है तो वहाँ पर वन वे ट्रैफिक भी होता है, जिसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं बहुत वर्षों से अपने शहर में। जब विकास प्राधिकरण बनता है तो एक ट्रांसपोर्ट नगर की भी स्थापना होती है, जहाँ ट्रक्स और बड़ी बड़ी गाड़ियों का शहर के अलग खड़ा किया जाता है। इस विकास प्राधिकरण में नए अस्पताल बनते हैं और जो सबसे बड़ी बात है वो कॉलोनीज डेवलपमेंट की बात है। इस FDA में ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज बनेंगी, बहुत से बिल्डर्स यहाँ आएंगे, उनमें कंपटीशन होगा, वो अच्छी से अच्छी कॉलोनी बनाना चाहेंगे, चौड़ी सड़कें होंगी, उन कॉलोनीज में पार्क होंगे। इस प्रकार का अगर फर्रुखाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है तो निश्चित रूप से आवासीय सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और जब इस प्रकार की कॉलोनीज का निर्माण होता है तो सिर्फ कॉलोनी में रहने वालों का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि अगल बगल पूरे डायमीटर में लोगों को फ़ायदा होता है, अगल बगल रहने वालों को भी। तो एक वेल प्लान्ड सिटी बनता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, संगठित तरह से योजना का निर्माण होता है, संगठित विकास होता है। अलग से एक लैंड बैंक होता है विकास प्राधिकरण में, अलग से एक बजट होता है विकास प्राधिकरण में। और इस प्रकार से जो हम चाहते हैं कि शहर का विकास हो, ख़ासतौर से जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, फर्रुखाबाद विधानसभा से, उसका पूरा नगर पालिका क्षेत्र इसमें आ रहा है। और जो बड़पुर ब्लॉक मेरी विधानसभा में पड़ता है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ आप सबका, जहाँ से वो पूरा बड़पुर ब्लॉक भी आता है, तो फर्रुखाबाद विधानसभा इस पूरे विकास प्राधिकरण में कवर हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी गांव अगल बगल के इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पूरे लगभग 126 गांव फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण में आने वाले हैं, नगर पालिका का पूरा क्षेत्र आने वाला है। विकास बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत तेज़ गति से होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही फर्रुखाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो जाएगा। इस गठन के बाद अगर जिस प्रकार से कहा जाता है कि क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से और समय की मांग को देखते हुए नगर निगम भी स्थापित किए जाते हैं, अगर इतनी जनसंख्या इस विकास प्राधिकरण में आ जाएगी तो हमको नगर पालिका की ओर मुँह नहीं ताकना पड़ेगा विकास के लिए। हो सकता है कि नगर निगम का भी निर्माण हो जाए और बहुत ज़्यादा बजट फर्रुखाबाद के डेवलपमेंट के लिए आ सके। ये बात मैं फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण के बारे में करना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और निश्चित रूप से आप सबको भी बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा कि जब FDA का गठन हो जाएगा, फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण बन जाएगा, तो हम भी छाती ठोंक के कह सकेंगे कि हमारा ज़िला भी, हमारा नगर भी बहुत विकसित है और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। इसके बाद मित्रों, स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम चल रही है भारतवर्ष में, मैंने पिछली बार मुद्रा योजना के विषय में युवाओं को जानकारी दी थी। मुद्रा योजना में हम लोन प्राप्त कर सकते हैं छोटे मोटे उद्योगों को लगाने के लिए, दुकान खोलने के लिए 10 लाख तक के ऋण की का प्राविधान है मुद्रा में। अगर उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट है,
एक स्कीम है जिसमें जो नए युवक हैं वो अपने नए आइडियाज़ के साथ नए बिजनेसेस को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें अर्हता ये मानी जाती है कि 5 वर्ष से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन उसकी फर्म या कंपनी का नहीं होना चाहिए और 25 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं किस्सा पढ़ रहा था, एक हुसैन नाम का युवक है भोपाल का, जिसने 5,000 की पूंजी से स्टार्टअप इंडिया में अपना काम शुरू किया था, आज उसका वार्षिक टर्नओवर 1 करोड़ पहुंच गया है। बहुत सारी ऐसी नई कंपनी आपने सुनी होगी, OLX है, फ्लिपकार्ट है, Naukri.com है और मेकअप माई ट्रिप है। इस प्रकार से ये सब स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप युवाओं की नज़र में कोई इस प्रकार का बिजनेस आता है उसको ज़रूर शुरू करें। भारत सरकार आपको पूरा प्रोत्साहन देने के लिए, पूरे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। 2,500 करोड़ का बजट स्टार्टिंग निधि के रूप में भारत सरकार ने रखा है और जो अगले 4 वर्ष में लगभग 10,000 करोड़ तक हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया है स्टार्टअप इंडिया के प्रोजेक्ट्स में। मैं आप सभी से अपील करता हूँ इस दिशा में अग्रसर हों, एक विकसित भारत की दिशा में, एक स्वस्थ भारत की दिशा में और एक उद्यमी भारत की दिशा में। क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे तो उससे लोगों को रोज़गार मिलने वाला भी है, आपका आर्थिक स्तर तो उठेगा ही, आपके साथ जुड़े हुए लोगों का भी आर्थिक स्तर उठेगा। इसलिए स्टार्टअप इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। इस दिशा में आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर स्टार्टअप इंडिया डालकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसकी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट छूट भी देती है, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको कैपिटल गेंस की माफ़ी होती है। जो लोग इस दिशा में चलते हैं उनको टर्नओवर में और एक्सपीरियंस में भी जो गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं उसमें छूट मिलती है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इसका उपयोग करिए, स्टार्टअप इंडिया की तरफ बढ़िए। तीसरा विषय गणपति बप्पा मौर्या का। आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, 13 सितंबर से 23 सितंबर तक के बीच में गणेश उत्सव पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और मैं देखता हूँ कि जब महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, जब मैं बॉम्बे में पढ़ा करता था आज से 25 वर्ष पूर्व, तो बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता था और फिर उसका चौपाटी पर समुद्र में विसर्जन किया जाता था। दरअसल बात 1883 की है, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने का निर्णय लिया था कि पब्लिक में इसको मनाया जाए ताकि पब्लिक का जुड़ाव हो सके और भारत एक सूत्र में पुरवाया जा सके। उसके बाद से हम हर वर्ष मनाते हैं। आप देखते हैं छोटे छोटे शहरों में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन 10 दिनों में गणेश जी धरती पर उतर कर आते हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं। इसी भाव से आप और हम गणेश उत्सव मनाते हैं। और गणेश का मतलब होता है गण धन ईश, गण जो हमारे शरीर के अंदर है, इनको कहा जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण हैं। इस प्रकार से 14 गण हमारे शरीर के अंदर ही विद्यमान हैं। इनका जो स्वामी बन जाता है, इनको जो कंट्रोल कर लेता है, इन पर जो नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, जो जितेंद्रिय बन जाता है, वही गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। गणेश जी का जो जिस प्रकार का वर्णन किया गया है, जिस प्रकार से उनके विषय में कहा गया है, वो बहुत फूंक फूंक के कदम रखते थे। उसी प्रकार से हम भी सामाजिक बुराइयों में ना पड़ें और फूंक फूंक के अपने जीवन को जिए, यही गणेश चतुर्थी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ देता हूँ। बहुत धूमधाम से गणेश जी का उत्सव मनाइए, गणेश चतुर्थी मनाइए। और पूरे कुछ लोग एक दिन का स्थापना करते हैं गणेश चतुर्थी पर और कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है पूरे 10 दिन की स्थापना करते हैं और बड़ा उत्सव का माहौल होता है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में देख रहा हूँ गुनीत अग्नोत्री का आ रहा है और हनी शुक्ला का आ रहा है, विकास जी लाइन पर हैं वो देख रहे हैं और मयंक शुक्ला भी देख रहे हैं और अजय भदौरिया जी आ गए हैं, पीयूष जी आ गए हैं, सत्यम पांडे जी आ गए हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। आप सभी मित्रों को, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ तो बहुत सारे हमारे मित्र उसी समय कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन चूंकि मैं बोल रहा होता हूँ इसलिए मेरे लिए संभव नहीं हो पाता उनको रेसिप्रोकेट करना या उनसे बातचीत करना या उनके नाम पढ़ना, लेकिन वो सभी को
की भावनाओं को मैं समझता हूँ। आप इतने सक्रिय रहते हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है जब उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैं आपकी अपनी बात देखता हूँ। हमारे अपने ज़िले से कई जगह से फ़ोन आता है और बेंगलोर से, बॉम्बे से भी मेरे पास फ़ोन आए हैं कि आपके अपनी बात का मुझे हर शनिवार को इंतज़ार रहता है हमारे जनपद में। जिस प्रकार से आप लोग सक्रिय हैं, आपकी भावना से मुझे प्रेरणा मिलती है और अपनी बात आपके सामने आती है। आप इसी तरह से जुड़े रहें अपनी बात से। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।